हेलो एवरीवन, वी आर गेमिंग गियर एंड गैजेट। वेलकम यू ऑल अगेन आर न्यू वीडियो, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं स्टेल लैपटॉप के बारे में। एक बजट रेंज लैपटॉप है और काफी मतलब सही फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं एक मिडल यूजेज के लिए। तो यार वीडियो काफी ज्यादा सही होने वाली है इस लैपटॉप की, और जिस जिसको यार एक बजट लैपटॉप चाहिए होता है एक सही कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा लैपटॉप होने वाला है। तो मॉडल नंबर मिल जाता है यार डेल इंस्पिरॉन 3511 वाला, तो i3 मॉडल है और कॉन्फ़िगरेशन चलो थोड़ी सी तो बता ही दी है अभी, और बाकी आगे वीडियो में बता देंगे। तो ये लैपटॉप हमारे स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रीजनेबल प्राइसेस में प्रोवाइड हो जाता है। हमारे स्टोर पर जाता है गेमिंग गियर एंड गैजेट के नाम से, मालीवाड़ा अम्बेडकर रोड गाजियाबाद, जहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी लैपटॉप डेस्कटॉप प्रोवाइड हो जाते हैं काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन और वैल्यूएबल प्राइसेस पे। इवन वहाँ गेमर्स अपना सीपीयू भी बिल्ड करा सकते हैं और गेमिंग एक्सेसरीज भी ले सकते हैं। सो वी प्रोवाइड ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस, तो प्लीज डू विजिट आवर स्टोर। All information are related us provided in description. You can check out from there and contact with us. So let's begin the video and know about this product. So start with the box look. So यहाँ पे एक डेल की ब्रांडिंग मिल जाती है, एक नॉर्मल मतलब डेल का ना कुछ ऐसा सा ही है, ये नॉर्मल सा बॉक्स मिल जाता है डेल की तरफ से हर कोई से लैपटॉप में ज्यादातर। तो फटाफट बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं। सो वी हैव 65 वॉट पावर चार्जर एडेप्टर, 1 पावर कॉर्ड, सम इंफॉर्मेशनल मैनुअल गाइड्स, एंड इट्स अ लैपटॉप बाय डेल विच इज अ कार्बन ब्लैक कलर लैपटॉप एंड फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड मटीरियल। एंड मटीरियल यार काफी ज्यादा सही है लुक वाइज, और वैसे लैपटॉप काफी ज्यादा सही लग रहा है। और ऊपर की फिनिश की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी मैट फिनिश मिल जाती है, तो अच्छा है मटेरियल, काफी ज्यादा सही है, प्लास्टिक काफी ज्यादा सही लग रही है। और वेट इसमें थोड़ा सा आपको सही मिल जाता है 1.8 केजी के अराउंड का, तो ठीक है लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके लुक्स एंड फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत करते हैं अपर लिड से। तो यहाँ मिल जाती है आपको डेल की ब्रांडिंग, जो कि ऑब्वियसली डेल का ऐसा ही लोगो मिलता है हर लैपटॉप पे। बाकी इतना ही है फ्रंट पे। बैक साइड चलते हैं, तो बैक साइड पे यहाँ इन्फ्लुएंस मिल जाती है, एयर इन्फ्लुएंस, यहाँ इंस्पिरॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ रबर की पैडिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है स्टेबल रखने के लिए लैपटॉप को। और यहाँ पे मिल जाती है स्पीकर के ग्रिल्स, 2x1.5 के दो स्पीकर मिल जाते हैं एसडी साउंड के साथ में। इसका साउंड आगे आपको वीडियो में सुना देंगे कैसा है। बाकी और फीचर्स की बात कर लेते हैं। बात करें हिंजेस की, तो हिंजेस आपको राउंड वाले मिल जाते हैं लेकिन एर्गो डिजाइन में मिल जाते हैं। जब आप लैपटॉप के लिड को ओपन करते हैं तो नीचे स्पेस क्रिएट कर देते हैं ताकि एयर इनफ्लो अच्छे से होता रहे, तो काफी ज्यादा सही चीज है एर्गो हिंजेस, तो ठीक है। बाकी हिंजेस की क्वालिटी की बात कर ले बिल्ड क्वालिटी की, तो यार जो डेल इंस्पिरॉन 3515 वाला मॉडल है उसके हिंजेस काफी ज्यादा कमजोर हैं, उसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, लेकिन 3511 वाले के हिंजेस उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा सही है, मतलब बिल्ड क्वालिटी हिंजेस की स्ट्रांग है, तो कहीं नहीं जाएंगे हिंजेस, बस एक नॉर्मल यूज करना पड़ेगा। और बाकी अंदर की साइड में यहाँ पे आपको आउटफ्लो वेंट्स मिल जाती हैं डिस्प्ले और कीबोर्ड एरिया के बीच में, तो ठीक है। बाकी लिड के जो बैक साइड में ये राउंड हिंज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रबर की पैडिंग का ये मिला हुआ है ताकि आप जब लैपटॉप को ओपन करें तो आपके लैपटॉप के इस पे स्क्रैच ना पड़े लिड पे, तो ये भी ठीक चीज है और स्टेबल रहे लैपटॉप। बाकी कीबोर्ड सेक्शन पे आए तो कीबोर्ड सेक्शन आपको काफी ज्यादा सही मिल जाता है, फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है इसमें, बट इसमें नॉन बैकलेट कीबोर्ड है क्योंकि ये एक बजट लैपटॉप है, तो बैकलेट का ऑप्शन इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। बाकी कीबोर्ड में सारी कीज आपको प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ पे कैलसी की भी ऑप्शन मिल जाता है कैलसी की का, जो कि नंबर पैड में ही प्रोवाइड करा दी गई है। और ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम के बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं ऊपर की साइड में, और बाकी सारी कीज अवेलेबल हैं। और बाकी टाइपिंग इसमें सही मिल जाती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग एक्सपीरियंस कीबोर्ड से सही मिल जाता है, मतलब मिनिमल सा मिल जाता है मीडियम रेंज में, तो कीबोर्ड ओवरऑल ठीक है। आ जाते हैं ट्रैक पैड पे, तो ट्रैक पैड का फील भी सही है, ट्रैक पैड एक तो बहुत ज़्यादा आपको चौड़ी सी मिल जाती है सही ठीक ठाक साइज में। और बाकी अगर यूजेज की बात करें तो यूजेज इसकी ट्रैक पैड की टच सेंसिटिविटी काफ़ी सही है, प्रिसाइज एंड टच पैड है मेनली, और मल्टी जेस्चर को सपोर्ट भी करती है, तो ओवरऑल फील ट्रैक पैड का ठीक है। और पाम एरिया भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा मिल जाता है इस लैपटॉप में, और कुछ ये की फीचर्स हैं जो इस लैपटॉप में हैं, बाकी तो ठीक है। आ जाते हैं स्क्रीन एरिया पे, स्क्रीन एरिया की बात करें तो बेजल्स आपको थिन मिल जाते हैं इसमें, और चिन भी थिन ही मिल जाती है,
अपर हेड एरिया भी सही मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे SD कैमरा मिल जाता है एक सिंगल एरे माइक के साथ में। तो इसकी कैमरे क्वालिटी और माइक की क्वालिटी डिसेंट है, मीडियम है। बाकी स्क्रीन के फीचर्स भी सही मिल जाते हैं आपको, मतलब फुल्ली ना एक बजट लैपटॉप के हिसाब से इसमें चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। डिस्प्ले फीचर्स एंड क्लैरिटी की भी बात कर ही लेते हैं, कौन से डिस्प्ले मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स हैं डिस्प्ले के, और साथ ही साथ इसकी क्लैरिटी भी आपको शो करते रहेंगे। तो डिस्प्ले इसमें मिल जाती है 15.6 इंचेस की HD वाली WVA डिस्प्ले, जिसकी क्लैरिटी ओवरऑल डिसेंट है, काफ़ी मतलब सही क्लियर सी लग रही है। और जैसे मीडियम लैपटॉप में बजट लैपटॉप के हिसाब से स्क्रीन्स होती हैं तो ठीक है, एक फुल HD नहीं है, HD वाली है, लेकिन एक फुल HD वाली फील ज़रूर दे रही है, तो डिस्प्ले ठीक है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी हमने देख ली है, साउंड की क्वालिटी भी देख लेते हैं, कैसी साउंड क्वालिटी मिल जाती है और कितना हाई साउंड मिल जाता है। तो साउंड तो बहुत ही ज्यादा लाउड मिल जाता है इसमें, और थोड़ा सा ट्रेबल भी ठीक है और बेस भी अच्छा खासा है, तो साउंड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी मिल जाती है और काफी लाउड साउंड है। बाकी और फीचर्स की बात कर लेते हैं इसमें। बाकी एक लैपटॉप की मेन चीज होती है उसका प्रोसेसर, तो जान लेते हैं प्रोसेसर कौन सा इसमें मिल जाता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। शुरुआत कर लेते हैं CPU से। तो CPU प्रोसेसर मिल जाता है इसमें i3 11 जनरेशन वाला 1115G4 3.0 बेस एंड अप टू 4.3 मैक्स क्लॉक स्पीड के साथ में। 2 Core 4 Threads का इसमें सपोर्ट मिल जाता है और 6MB की मिल जाती है L3 कैश मेमोरी। तो L3 कैश मेमोरी इसमें ठीक है और GHz वगैरह भी ठीक है। 2 Core वाला यार सिस्टम है, क्योंकि ये एक i3 लैपटॉप है तो 2 Core में काम चल जाएगा। बाकी CPU की और सारी चीज़ें ठीक हैं। जान लेते हैं RAM की जानकारी। RAM मिल जाती है इसमें 8GB DDR4 2667 MHz वाली, और एक ही स्लॉट इसमें ऑक्यूपाइड है और अप टू 16GB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरा स्लॉट खाली है, 8GB की एक RAM और लगा सकते हैं आप इसमें। तो RAM ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है RAM की। बाकी डिस्क में आ जाते हैं तो इसमें 1TB की SSD मिल जाती है आपको, हार्ड ड्राइव। इसमें आप SSD भी लगा सकते हैं अगर आपको लगानी हो, स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और इंटेल USD ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिसमें आपको 4GB VRAM मिल जाती है इसकी, बेसिक वाली जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की होती है। तो ओवरऑल प्रोसेसर वगैरह ठीक हैं, सारी चीज़ें सही हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें पोर्ट्स वगैरह कौन से मिल जाते हैं वो देख लेते हैं, पोर्ट्स की जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड पोर्ट से, जहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, एक मिल जाता है HDMI पोर्ट, दो मिल जाते हैं USB 3.0 टाइप ए वाले। तो लेफ्ट साइड में इतने ही पोर्ट्स थे, तो लेफ्ट साइड पोर्ट्स ठीक हैं। राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में एक फुल साइज मेमोरी कार्ड रीडर मिल जाता है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक मिल जाता है USB टाइप ए 2.0 वाला, एक मिल जाता है 3.5mm का डुअल कॉम्बो एंड माइक्रोफोन हेडफोन जैक, तो ये ठीक है। बाकी लैपटॉप को हैंडल करने के लिए यार 41 Wh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 4 से 5 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। आप इसको नॉर्मल यूज़ पे यूज़ करते हैं तो बस जो इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है उसको 60Hz से 48Hz कर देना और ब्राइटनेस को हाफ कर लेना, इतना बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। और बाकी यार सारी चीज़ें सही हैं तो ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट का लाइफ टाइम सपोर्ट वैलिडिटी मिल जाती है, तो स्टूडेंट और प्रोफेशनल ऑफिस वर्क के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही लैपटॉप है ये, तो ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं अपना, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह खूब अच्छे से दीजिए। एंड स्टूडेंट नॉर्मली यार एकदम अच्छे से यूज़ करें और बेसिक कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं कोडर, तो ठीक है लैपटॉप उसके हिसाब से। तो लैपटॉप की फुल जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी, कुछ रह गया हो तो यार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है और उसी के साइड में एक बेल आइकन भी है, उसको क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। और बाकी आप सोशल मीडिया हैंडल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप जानकारी ले सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराई हुई है। कुछ भी इन्फो चाहिए हो तो कॉल करके आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।